दिस मॉड्यूल हेल्प्स आस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्किट्स सो फाइनेंशियल मार्किट्स क्या होती हैं फाइनेंशियल मार्किट्स कोई फिजिकल जगह का नाम नहीं है इट्स बेसिकली द्लेस कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स को बाय या सेल कर सकें अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स कौन हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स में वी टेक टू अकाउंट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स वी हैव द डेट द एक्विटी एंड द डरेविटिव सो डेट के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं आपने कोई भी फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आपने एक सर्टिफिकेट बनाया जो कि कोई कंपनी मार्केट में जाकर सेल करेगी और बोलेगी में मेरे से ये सर्टिफिकेट आप बाय कर लें और हम आपको एक साल के बाद जब uh, इतना रिटर्न देंगे इसके ऊपर एंड दैट वुड बी फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड फाइव परसेंट टू परसेंट एट द टॉप ऑफ द अमाउंट जिसके जिससे आप वो सर्टिफिकेट को बाय कर रहे हैं तो क्या बेसिकली कब ये इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स को फर्म्स uh, सेल करती हैं uh, जब उनको पैसे चाहिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट अपने नाम के साथ में इशू किया और उठाया मार्केट से कैपिटल अपने कोई भी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लेकिन उसके बदले में वो आपको क्या दे रहे हैं आफ्टर अ ईयर आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देने जा रहे हैं सो so, ये इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स सिमिलरली देर आर अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नोन एज डेरेवेटिव डेरेवेटि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मार्केट के डिफरेंट uh, फ्लक्चुएश जो मार्केट में डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स uh, या शेयर्स सेल और बाय हो रहे हैं उनकी uh, जो भी मार्केट वैल्यू डिसाइड होगी आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड उससे डिपेंड करता है आपके डेरेवेटि डरेवेटिवस में ऑप्शनस आते हैं कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है सो so, ये मुख्तलिफ़ तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जिस आ, कोई भी जिस मार्केट में जाके या प्लेस पे जाके सेल या बाय हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की हो सकती है और इस क्लासिफिकेशन को हम वक्त के ऊपर बेस करते हैं वक्त का मतलब है कि आपने जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय सेल किया है उसका टाइम पीरियड कितना है सो वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स कैन भी सेग्रीगेटेड और डिवाइड एज द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट मनी मार्केट क्या होती है मनी मार्केट कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मचॉरिटी जो है वो एक साल से कम पीरियड की हो फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफन वेन इन नीड ऑफ मनी दे सेल द ट्राइरी बिल्स द टी बिल्स और टी बिल कैन बी लाइक फॉर वन मंथ इट कैन बी फॉर सिक्सटी डेज इट कैन बी फॉर नाइन्टी डेज़ और जितना ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा उतना ही उसके ऊपर रिटर्न वो ज़्यादा देंगे आपको सो द पॉइंट इज़ दैट बिकॉज इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको टी बिल की मिसाल दी इसका ड्यूरेशन जो है मेचोरिटी टाइम पीरियड वो एक साल से कम है लिहाजा इस जब हम मनी मार्केट को अकाउंट फॉर करेंगे या मनी मार्केट के साइज़ को अकाउंट फॉर करेंगे तो हम उसमें हर वो तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर करेंगे जिसका मचॉरिटी टाइम पीरियड या जो भी ड्यूरेशन डिफाइन हुआ हुआ है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के मच्योर होने के लिए वो एक साल से कम हो तो उसको हम मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं लेकिन अगर यही इसी तरह से गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स इशू किए हैं जो उन्होंने बोला हम पाँच साल के बाद ये मच्योर होंगे और फिर हम आपको उसके ऊपर रिटर्न देंगे या जैसे ऑफन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूज़ सुकूक बॉन्ड्स इंटर इंटरनेशनल मार्केट तो सुकूक बॉन्ड्स की मैचोरिटी टाइम पीरियड इज़ लॉन्गर लॉन्गर दैन अ इयर तो वो क्या ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा बन जाएगी सो कैपिटल मार्केट में हम उन तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करते हैं जिसकी मैचोरिटी टाइम पीरियड मोर देन अयर होती है और मनी मार्केट में हम उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को अकाउंट फॉर करते हैं डालते uh, हैं या नाप मनी मार्केट को इस तरह से हम डिफाइन uh, करते हैं जहां आपके साथ तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो भी डील हो रहे हैं मनी मार्केट में उनकी टाइम ड्यूरेशन जो है टाइम ड्यूरेशन का मतलब है मेचोरिटी टाइम पीरियड दैट शुड बी लेस देन अ ईयर सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स दिस इज़ द क्लासिफिकेशन वी यूज एंड द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ that uh, when we are trying to uh, understand the concept of how the financial markets operate so we have to concepts understand the first one is the liquidity liquidity is the cash so uh, basically uh, how much money is uh, in circulation is in the cash form um, that tells you about the overall uh, dynamics of uh, the financial market at a certain point in time फिर जब हमारे पास कॉरपोरेशंस या बड़े बड़े कंपनीज को हम देखते हैं तो वहाँ हमने देखा कि मनी को जनरेट करने के वास्ते दे इशू शेयर्स और शेयर्स को जब वो इशू करते हैं तो उसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो शेयर ओनर है उसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी है सो so, uh, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो uh, जो भी डिसीशन uh, मेकिंग है उसमें 100% uh, contribute kar ke so they have limited liability and they have limited power also so that is another important aspect uh, when we are trying to understand the dynamics of a financial market phir understand karna hai ke the, the various types of financial instruments that are operating that are bought and sold in a financial financial market and one such instrument is a derivative how the derivatives operate so we will be doing them in detail in the subsequent modules के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज कैसे डिटरमिन होती है डेरिवेटिव्स ऑपरेट कैसे करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स फिर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये सारे के सारे कॉम्पोनेट्स आर इम्पोर्टेंट दे नीड टू बी अंडरस्टोड प्रॉपर्ली इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट एंड वी विल डूइंग दैम इन सबसिक्वेंट मॉड्यूल्स in detail.